जो तुलसीदास दुबे ने जो लिखा था वो गलत लिखा था। मनुवाद के माध्यम से एक जाति के लोगों को यहाँ पर मान सम्मान मिला हुआ है, मगर ये लोग जाति के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं और जाति के नाम पर ये सम्मान पाना चाहते हैं। वो मनुवाद को पोषित करने वाला व्यक्ति है, वो मंदिर से और धर्म के नाम पर इस देश में राजनीति करना चाहता है और धर्म के नाम पर सदियों से खाता आया है। अफसोस की बात तो यह है कि जो संविधान है गलत हाथों में है और पूर्ण रूप से इसको लागू नहीं किया जा रहा है। उनको ये चिढ़ होती है, उनके पेट में दर्द होता है, इसलिए वो संविधान को बदलकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संविधान से देश चलता है, ना कि ग्रंथों से देश चलता है। सारे देश दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं वो एक तरफ हो जाए और भारत का संविधान एक तरफ हो तो भारत का संविधान सबसे ज़्यादा मजबूत है। और मनुस्मृति अगर यहाँ पर लागू हो गई तो ना तो आपको पढ़ने का अधिकार होगा, ना आपको धन संपत्ति रखने का अधिकार होगा, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार होगा, ना आपके बच्चों को अधिकारी या नेता बनने का अधिकार होगा। अखिलेश यादव को क्या हो गया है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में रोली तिवारी और ऋचा सिंह एक बड़ी नेता को बाहर निकाल दिया, कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में निकाला है। अगर कोई नेता अपनी जातिवादी मानसिकता को आगे लेके आएगा और गलत काम को भी सही ठहराने का काम करेगा, जो रामचरित मानस में जो लिखा हुआ है, उनके पूर्वजों ने जो तुलसीदास दुबे ने जो लिखा था वो गलत लिखा था। वो इस देश में SC ST OBC जो हैं, जो इनको शूद्र बोला जाता है, महिला, उनके खिलाफ लिखा हुआ था। अगर किसी नेता ने ये उजागर किया है और आज कुछ नेता उसको डिफेंड करने का काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को निकालना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए, जब कोई नेता अपनी जातिवादी मानसिकता को ऊपर लेकर आता है, क्योंकि आपने देखा मीडिया के अंदर भी, मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर भी जातिवादी लोग काम करते हैं और पार्टियों में भी जातिवादी लोग काम करते हैं। पार्टी के गाइडलाइन होती है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मैं शूद्र हूं, और जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, उसको बदलना चाहिए। मगर उन्हीं के नेता, कुछ नेता जिन्होंने को बाहर निकाला गया, वो नेता उसको डिफेंड करने का काम करते हैं, उसको कहते हैं कि पवित्र है। हाँ, शूद्रों को मारना पीटना चाहिए, महिलाओं को मान सम्मान नहीं देना चाहिए, तो भाई ऐसे नेता फिर पार्टियों में क्यों रहेंगे? तो ये जो लोग हैं ये अपनी जातिवादी मानसिकता को ऊपर लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में जो मनुवाद है, मनुवाद के माध्यम से एक जाति के लोगों को यहाँ पर मान सम्मान मिला हुआ है, जो निराधार गलत है। संविधान सबको बराबर की आज़ादी देता है और संविधान में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और संविधान का प्रेम्बल भारत के लोगों की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, मगर ये लोग जाति के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं और जाति के नाम पर ये सम्मान पाना चाहते हैं। ये तो कहते हैं ना, बंटवारा तो आप कर रहे हैं शूद्र शूद्र करके, जबकि ये तो कहते हैं सारे सनातनी हैं, सारे हिंदू हैं। बस देखो, शूद्र हमने तो बनाया नहीं था, ये वर्गीकरण किया गया था। अब तो इनका जो सबसे बड़े लीडर हैं, RSS के लीडर हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी कह दिया कि जो जाति की उत्पत्ति की थी वो पंडितों ने, ब्राह्मणों ने की है। कुछ पंडितों ने, हाँ, हम पहले से कहते हैं कि जाति और भगवान की उत्पत्ति ब्राह्मणों ने की है, क्योंकि ब्राह्मण इस देश में सबसे ज्यादा चालाक व्यक्ति, वो मनुवाद को पोषित करने वाला व्यक्ति है, वो मंदिर से और धर्म के नाम पर इस देश में राजनीति करना चाहता है और धर्म के नाम पर सदियों से खाता आया है। और इस देश के भोले भाले लोगों को, जो 85% लोग हैं, उनको वो धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, धर्म के चक्कर में वो डालता हुआ आया है और उनकी सारे अधिकारों को मार लिया है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं शूद्र, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं शूद्र, वहाँ चंद्रशेखर कह रहे हैं कि शूद्र। देखिए, अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं? क्या इसमें मनुस्मृति द्वारा लागू करना चाहते हैं? क्या संविधान देश का सब लोगों को, नागरिकों को अधिकार नहीं देता है? जितना अच्छा संविधान, शक्तिशाली संविधान हमारा है, इतना किसी देश का नहीं है। यहाँ सारे नागरिकों को बराबर का अधिकार मिलता है, सबको सम्मान मिलता है। जो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से सबको गारंटी देता है। अफसोस की बात तो यह है कि जो संविधान है गलत हाथों में है और पूर्ण रूप से इसको लागू नहीं किया जा रहा है। जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को भी पूर्ण रूप से हमको नहीं दिया जा रहा है, ये अफसोस की बात है। तो कुछ लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान लाखों करोड़ों लोगों को पावर देता है, एजुकेशन का अधिकार देता है, नौकरी पाने का अधिकार देता है, राजा बनने का अधिकार देता है, मगर
उनको ये चिढ़ होती है, उनके पेट में दर्द होता है, इसलिए वो संविधान को बदलकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर वो फिर दोबारा इस देश के 85% लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान था उस पर तमाम पार्टी और तमाम जो बहुजन नेता उनका समर्थन उनको मिला, लेकिन वहीं बहन जी का स्टैंड जो है वो अलग है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए बहन जी का स्टैंड क्या हो तो बहन जी बताएंगी और बहुजन समाज पार्टी के नेता बताएंगे। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मेरा विचार यह है कि अगर किसी भी किताब में किसी भी जाति के लिए अगर कोई गाली लिखी हुई है तो वो इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। वैसे तो जब से संविधान लागू हुआ है इन ग्रंथों का कोई भी रिलेवेंसी नहीं है। संविधान से देश चलता है, ना कि ग्रंथों से देश चलता है। सारे देश दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं वो एक तरफ हो जाए और भारत का संविधान एक तरफ हो तो भारत का संविधान सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि भारत का संविधान गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आज़ादी देता है, हर चीज़ की उनको सम्मान की गारंटी देता है, लिबर्टी की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है, वो बहुत ही अच्छा संविधान है। तो कुछ जो लोग हैं अगर वो कुछ किताबों के माध्यम से रूल करना चाहते हैं तो अब ये होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में संविधान सबको अच्छा लगता है और संविधान से पूरा देश चलता है। अच्छा आप कह रहे हैं कि गाली लिखी हुई है, वो तो डिफेंड कर रहे हैं ना, गाली कहाँ लिखी हुई है? देखिए चोर कभी अपने आप को चोर नहीं बोलता है, इनके जो ग्रंथों में लिखा हुआ है सबको पता क्या लिखा हुआ है। एक शूद्र समाज को, एक वर्ग को जो सबसे शक्तिशाली है, देश में निर्माण करता है, सड़क बनाता है, हर बिल्डिंग की बुनियाद रखता है, उसको उन्होंने गाली देकर शूद्र बनाने का काम किया है और सारे अधिकार छीने हैं, यहाँ तक कि संपत्ति छीनी है, एजुकेशन का अधिकार नहीं दिया है, सारे अधिकारों को इन्होंने लूट लिया है। और आज संविधान से अगर अधिकार मिले हैं तो उन संविधान के अधिकारों को ये लूटना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संविधान में जो अधिकार मिले हैं वो हमारे जो महापुरुष हैं उनकी कुर्बानी की वजह से मिले हैं। आप इस संविधान को बर्बाद मत होने दो, आप इस संविधान को ख़त्म मत होने दो। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो सबसे पहले यहाँ मनुस्मृति जलाई जाएगी, और मनुस्मृति अगर यहाँ पर लागू हो गई तो ना तो आपको पढ़ने का अधिकार होगा, ना आपको धन संपत्ति रखने का अधिकार होगा, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार होगा, ना आपके बच्चों को अधिकारी या नेता बनने का अधिकार होगा, सब खत्म कर दिए जाएंगे आपके अधिकार। आप तो एक एडवोकेट हैं तो क्या लगता है आपकी हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो है वो हो जाएगी? देखिए ऐसा यहाँ पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि संविधान लागू है, मगर ये लोगों को जो अपने एक धर्म के लोगों को बना रखा है उनको वो एक प्रकार से भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, तो जब इन पर मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो ये धर्म की राजनीति करके सरकार में ये स्थापित अपने आप को करते हैं। धर्म का धंधा कभी नहीं बनता, ये धर्म से ही तो सबसे ऊपर है, हमेशा ये धर्म के नाम पर राजनीति करते आए हैं, आज भी ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को ये गुजारिश है कि आप धर्म के चक्कर में नहीं आइए, आप जो रियल इशू है इस देश में, एजुकेशन का इशू है इस देश में, रोजगार का इशू है इस देश में, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है इस देश में, भाईचारे का इशू है इस देश में, महिला सुरक्षा का इशू है, उन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। सरकार का काम होता है कि जो रियल मुद्दे हैं उनको बताया जाए, और जब सरकार रियल मुद्दों से दूर चली जाती है तो फिर वो धर्म के नाम पर आती है, जो आज की सरकार कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि इनकी तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है आप लोग समाज को बांट रहे हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था समझ नहीं पा रहे हैं, वो तो कर्मों के आधार पर होता है ना? देखिए कहीं कोई कर्मों के आधार पर नहीं होता है, वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बच्चा भी ब्राह्मण ही होता है, और दलित के घर में पैदा हुआ बच्चा दलित होता है इनके अकॉर्डिंग में, तो कर्म कहाँ से आ गया? कर्म कुछ नहीं है। वैसे मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, क्योंकि संविधान जब से आया है जब इस जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, अब SC ST OBC माइनॉरिटी प्लस जनरल है, तो हम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं, मगर ये दोबारा इसकी ये स्थापना करना चाहते हैं, जातियों के नाम पर, वर्गों के नाम पर करना चाहते हैं। एक जाति को, एक वर्ग को हमेशा से इस वर्गीकरण का फायदा हुआ है और एक को नुकसान हुआ है। जिनको नुकसान हुआ है वो क्यों चाहेंगे कि वर्गीकरण स्थापित हो इस देश के अंदर? ये स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, ये धर्म के नाम पर देश को चलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर जो मान सम्मान मिलता है इनको उसको बरकरार रखना चाहते हैं, ये अंधविश्वास में फैलाना चाहते हैं। और बहुत सारे बाबा भी आ रहे हैं अब देश के अंदर तो जो इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अब ये देश में चलेगा नहीं, क्योंकि देश में संविधान चलता है।